अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ फातिमा और आप देख रहे हैं फूडीज बाय विद फातिमा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बहुत ही शानदार किस्म के और क्रिस्पी दमदार किस्म के समोसा रोल पट्टी बनाने की रेसिपी बताऊंगी। तो चलें फिर अपने वीडियो का आगाज करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो ये जो लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिया गया है आप इसको दबाएं और साथ ही दी गई इस घंटी के निशान को भी आप दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अगर आप मेरी रेसिपीज को पसंद करते हैं तो मेरी रेसिपी को लाइक करें और शेयर करें, शुक्रिया। एक कप के करीब हम लेंगे मैदा, हाफ टी स्पून के करीब हम लेंगे नमक और साथ में हम इसे गूंदेंगे पानी के साथ। पानी जितना यूज़ होगा फिर वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब हम मैदे को छान लेते हैं। जैसे कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ, मैदा छानना ज़रूरी है, इससे रिज़ल्ट अच्छा मिलता है और डो बहुत ज़्यादा अच्छी हमारी गूंदी जाती है। अब इसके अंदर हम हाफ टी स्पून के करीब नमक शामिल करेंगे। नमक शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से मैदे में मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद इसके अंदर हाफ कप के करीब पानी शामिल होगा, लेकिन इसे हम थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे। अब आपने आटे को अच्छी तरह से गूंद लेना है। ना आटा ज़्यादा नरम गूंदना है ना ज़्यादा सख्त गूंदना है, और इस प्रोसेस को आपने तकरीबन 10 मिनट के लिए करना है। जिस तरह से मैं आपको करके दिखा रही हूँ बिल्कुल आपने इसी तरह से करना है, तो आपका रोल पट्टी की डो का रिजल्ट बहुत शानदार किस्म का आएगा। 10 मिनट के लिए जिस तरह से मैंने आपको दिखाया है इस तरह से मैंने इसे गूंद लिया है। अब आपने इसे स्मॉल सा पेड़ा बनाकर आधे घंटे के लिए कवर करके छोड़ देना है और ऊपर हल्का सा ऑयल लगा देना है। अब 10 मिनट के बाद कवर उठा लिया है। ये देखिए, हमने इसे 10 मिनट के लिए गूंदा है। गूंदने के बाद हमने इसे आधे घंटे के लिए रख दिया था, जिसकी वजह से इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। अब हमने अपने टेबल पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करना है। ये देखें हमारी डो पट्टी जो हमने बनाई थी समोसे की, उसका रिजल्ट कितना शानदार किस्म का आया है। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। आपने पेड़ चपाती से छोटे लेने हैं, इतनी चपाती है तो इतने साइज का पेड़ा नहीं लेना, उससे थोड़ा सा कम साइज का पेड़ा बना लेंगे। ये देखें हमारा समोसा रोल पट्टी का एक पेड़ा तैयार हो चुका है जो कि चपाती से छोटा है। आपने भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। अब मैंने तमाम पेड़ों को बना के साइड पर रख लिया। अब आपने एक पेड़ा लेना है, उसे आपने इस तरह से थोड़ा थोड़ा बेलना है। तमाम पेड़ों को आपने इसी तरह से हल्का हल्का बेल कर साइड पर रख लेना है। अब मैंने अपने तमाम पेड़ों को बेल के रख लिया है। आपने बिल्कुल इसी साइज़ के सारे पेड़े बेलने हैं जितने साइज़ के मैं आपको दिखा रही हूँ। इसे ज़्यादा बड़े नहीं करने हैं और आपने बेलते हुए जैसे का एक एक पेड़ा बेल कर रखते जाएंगे। इनको रेस्ट भी लाजमी देना है ताकि जब आप इनको बनाएं तो इनकी समोसा रोल पट्टी बहुत ज़्यादा शानदार किस्म की बने। अब हमने एक एक करके इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा से उंगली की मदद से तमाम पेड़ों पे ऑयल लगा लेंगे। अब मैं इन 6 बेले हुए पेड़ों पे जो ऑयल लगाया है उसके बाद मैं इन्हें 2 हिस्सों में बनाऊंगी, 3 पहले और 3 बाद में। अब हमने जो 6 पेड़े लेकर उन्हें अच्छे तरीके से बेल लिया है और उन पे ऑयल भी लगा दिया था, उसके ऊपर हम थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे और दूसरा जो पेड़ा हमने बेला है वो लेंगे। ऑयल वाला हिस्सा हमने ऊपर रखना है और उस पर दोबारा से हम मैदा डस्ट कर लेंगे, और जो तीसरा पेड़ा है हमारा ऑयल वाला वो आपने ऊपर रख लेना है। इसे अच्छी तरह से दबा लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से जुड़ जाए। फिर एक बेलने की मदद से इसे हमने पतला सा बेल लेना है। जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल आपने इसी तरह से इसे बेलना है। ये देखें मैंने इसे पतला सा बेल लिया है। अब आपने एक पैन ले लेना है, उसे पहले से थोड़ा सा गर्म कर लेना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना नहीं तो ये फ़ौरन ही अकड़ जाएगी। और जिस तरह से मैंने आपको दिखाया है आपने बिल्कुल इसी तरह से इसके ऊपर डाल देना है और इसे आपने इतना ही पकाना है जितना कि आपको लगे कि ये थोड़ी सी पक गई है। जैसे कि ये देखिए मेरे ये लाइट लाइट सा वाइट सा स्पॉट्स बन गए हैं, यानी कि ये थोड़ी पक गई है। फिर आपने इसको दोनों साइडों से इसी तरह से पकाना है और फिर उतार लेना है, नहीं तो ये पूरी पक जाएगी और ये ख़राब हो जाएगी। अब ये दोनों साइडों से हल्की हल्की पक चुकी है। ये देखें अब मैं आपको इसका उतार के दिखाऊंगी कि ये कितने आराम के साथ उतर आएंगे, क्योंकि हमने इसके ऊपर ऑयल की ग्रीसिंग अच्छी तरह से की हुई थी और साथ में खुशका भी डस्ट किया था। ये देखें आराम आराम से आपने उतारना है क्योंकि ये भी गर्म है।
अगर आप इसे जल्दी जल्दी उतारेंगे तो ये टूट जाएगी। ये देखें कितनी परफेक्टली उतर रही है और कितनी शानदार किस्म की बनी है, क्योंकि हमने इसे प्रॉपर तरीके से गूंदा भी था और रेस्ट भी दिया है, जो कि बहुत ज़रूरी था इसके लिए। और फिर इसे थोड़ा सा पकाया है, ज़्यादा नहीं, नहीं तो ये फिर उतरती ना और ये ख़राब हो जाती। देखिए हमारी तीनों बन चुकी हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे इसको बकायदा शेप देने के लिए, बॉक्स पैटीज की और रोल की। आपने इस तरह से इसको चारों तरफ से बराबर काट लेना है। अब मैंने इसको बकायदा शेप दे दी है, ये मैं लास्ट पार्ट इसका कट कर रही हूँ। अब हमने इसकी कटिंग करके इसकी परफेक्ट शेप दे दी है, जिस तरह की हम चाहते थे। अब इसे हम बीच में से नाइफ की मदद से इसे काट लेंगे। आप इस समोसा पट्टी और या रोल पट्टी को एक महीने तक भी फ्रीज कर सकते हैं, और रमज़ान के महीने में आप इसे बहुत ही मज़ेदार किस्म के स्प्रिंग रोल, चिकन समोसा या बॉक्स पैटीज भी बनाकर बहुत ही मज़ेदार तरीके से अफ्तार में इसके जायके के साथ लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। और इसको फ्रीज करने का तरीका ये है कि आपने एक प्लास्टिक बैग ले लेना है और इसके अंदर इसको डाल के अच्छे तरीके से रैप कर देना है, ताकि इसके अंदर कोई भी पानी या हवा ना लगे, नहीं तो फिर ये नरम हो जाएंगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जल्दी ही मिलेंगे एक और रेसिपी के साथ। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।